नमस्कार। तो आखिरकार 5475 दिनों के बाद केकेआर को अपना दूसरा शतक वीर मिल ही गया। केकेआर की ओर से 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल के पहले सीजन के पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकलम ने शतक जड़ा था। इसके बाद केकेआर का कोई बल्लेबाज इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन 16 अप्रैल 2023 को वेंकटेश अय्यर ने केकेआर के बल्ले द्वारा शतक ना बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर अय्यर का बल्ला जमकर चला। उन्होंने 51 गेंदों पर 6 चौके और 9 छक्कों की मदद से 104 रन जड़ दिए। अय्यर इसी के साथ केकेआर के साथ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज बन गए। ब्रेंडन मैकलम 73 गेंदों में नाबाद 158 रन बनाकर अभी इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर नाबाद 97 रन के साथ दिनेश कार्तिक, 94 रन के साथ मनीष पांडे चौथे स्थान पर, तो नाबाद 93 रन के साथ क्रिस लिन इस लिस्ट में अभी 5वें स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि अय्यर का शतक भी केकेआर को मैच में जितवा नहीं सका। केकेआर ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल कर ली थी। धन्यवाद।